सो हेलो कैप्टन ऑफ अम्बेन, आज के शो में आपका स्वागत है। और बिफोर स्टार्टिंग द शो गाइस, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप एक भी इंडियन फुटबॉल का कंटेंट मिस ना करो। दूसरा, प्लीज शेयर आवर वीडियोस ताकि एक भी आदमी इंडियन फुटबॉल का न्यूज से व्हाट इज द वर्ड वी कैन से डिस्क्रिमिनेट ना हो। सो गाइज, आज का वीडियो का टॉपिक मैं पहले ही बोल चुका हूँ इन द थंबनेल, वो है स्पेनिश फॉरवर्ड कंप्लीट्स एफसी गोवा साइनिंग। और ये न्यूज फ्रॉम IFTWC, मतलब वेरी रिलायबल और 100% ट्रू ही होगा। एंड दिस न्यूज विल कम, और मुझे अजीब भी नहीं लगा बिकॉज मैंने 2-3-4 महीने पहले ही बोल दिया था कि एफसी गोवा इज लुकिंग फॉर अ स्पेनिश सेकेंड डिविजन और फर्स्ट डिविजन स्ट्राइकर, एंड कार्लोस मार्टिनेज इज द नेम ऑफ द स्ट्राइकर दैट दे हैव गॉट। कार्लोस मार्टिनेज इज अ 6-foot स्ट्राइकर, प्लेस फॉर एफसी एंडोरा, जहां पे कुछ बार्सिलोना के कुछ यंग प्लेयर्स भी खेलते थे ऑन लोन, सो दे हैव अ वेरी क्लोज टाई विद बार्सिलोना। और द प्लेयर इज ऑल्सो स्पेनिश एंड ही इज फ्रॉम मटारो, और ही इज अ सेंटर फॉरवर्ड, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, आई हैव ऑलरेडी राइट इन द थंबनेल ऑल्सो। तो कार्लोस मार्टिनेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू एवरीथिंग। कार्लोस मार्टिनेज इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेयर, उनका करियर स्टार्ट हुआ था फ्रॉम बदालोना, नॉट बार्सिलोना, बदालोना से उनका करियर शुरू हुआ था, फ्रॉम बदालोना अंडर 19, और बदालोना के बी साइड में, वहां से सेडालोना, उसके बाद सेंट सिलोनी, उसके बाद ग्रामानेट, उसके बाद टेरेसा एफसी, तो पर विलेरियल के जो बी साइड है, विलेरियल सीएफ जो चैंपियंस लीग खेली थी पिछले साल, वो विलेरियल, उसके बाद टोक्यो वर्डी, ही गो एंड प्लेड इन द जापानीज लीग एज वेल, द जापानीज सेकंड डिविजन, उसके बाद ही मूव टू हरक्यूलिस, हरक्यूलिस वही स्पेनिश क्लब, एंड एफसी एंडोरा। सो उनमें क्लब में उन्होंने अपना मेनली करियर, ही स्पेंट हिज करियर मोस्टली इन द स्पेनिश सेकंड डिविजन, बट अगेन उन्होंने जापान में भी उनका करियर ही हैज स्पेंट। और इस साल उन्होंने जो क्लब के लिए वो खेल रहे थे फॉर एफसी एंडोरा, ही हैज बीन प्रीटी क्लिनिकल। इस साल उन्होंने 35 मैचों में 9 गोल किए हैं, पर 9 गोल पे मत जाओ, ही हैज प्लेड ओनली 40% ऑफ द मैचेस एंड ही हैज 19% ऑफ गोल परसेंटेज, पूरे टीम का 1/4 ऑफ गोल उन्होंने ही किया है, हिज टीम हैवंट प्लेड दैट वेल, एंड ही इज अ प्रीटी बिग नेम, ही इज अ प्रीटी बिग नेम इन द सेकंड डिविजन सर्किट। और अगर उनका पूरा करियर भी देखे, उनका पूरे करियर का स्टैट्स, ही हैज अ वेरी डिसेंट स्टैट, ही इज अ वेरी, ही इज मोर लाइक, ही इज इन द फ्रेम ऑफ समवन लाइक इगोर अंगुलो, उनका प्लेइंग स्टाइल अगर आप यूट्यूब में जाके देखो, जितना भी आप देखो, ही इज बेसिकली अ सेंटर फॉरवर्ड, मैं स्ट्राइकर नहीं बोल रहा, आई एम सेइंग सेंटर फॉरवर्ड, बिकॉज ही हैज द टेंडेंसी टू कट बैक, वो गेम मेकिंग भी कर सकते हैं एंड ही कैन ऑल्सो स्कोर। उन्होंने अपने बेस्ट सीजन में प्रीमेरा फेडरेशो में he has scored 10 goals and given 2 assists in his best season. और अगर उनका पूरा करियर भी देखा जाए ना, उन्होंने जो थर्ड डिवीजन है स्पेन में, वहां पे 241 मैचेस खेले, वहां पे 95 गोल्स किए थे और 6 असिस्ट है। ला लीगा 2 जो ला लीगा के सेकंड डिवीजन है, वहां पे उन्होंने 35 मैचों में 9 गोल किए, जापानी लीग में 29 मैचेस में 2 गोल किए, एंड ऑल्सो उसके पहले जो प्रमोशन लीग 2 जो फोर्थ डिवीजन था, वहां पे 3 गोल्स किया है। सो ही इज समवन हु इज वेरी एक्लेमेटाइज्ड प्लेइंग, और उन्होंने अपने करियर में बहुत सारे पोजीशंस में खेला है। उन्होंने अपने करियर में 237 गेम्स स्ट्राइकर की तरह से खेला है, 5 गेम्स ही हैड प्लेड एज अ राइट विंगर सपोर्ट स्ट्राइकर के बारे में, 2 गेम्स खेला है प्लेड इन द लेफ्ट विंग फॉर 3, एंड ऑल्सो प्लेड इन द सेंट्रल मिडफील्डर फॉर वन मैच, और वो कोपा डेल रे भी खेल चुका है फॉर एफसी एंडोरा। सो ही इज समवन हु हैज अ टन्स ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट द फुटबॉलिंग नॉलेज। एंड ऑल्सो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, एक चीज जो मुझे बहुत अजीब लगा इन दिस साइनिंग इज ही इज वेरी ओल्ड, ही इज 36 ईयर ओल्ड। देखो एफसी गोवा फैंस नाराज मत होना, बार्टोलोमी ओगबेचे भी जब इंडिया में आए थे, ही वाज 35 इयर्स ओल्ड, और 38 ईयर की उम्र तक वो अभी भी खेल रहे हैं एंड ही इज प्लेइंग ब्रिलियंटली। सो कार्लोस मार्टिनेज का उम्र शायद कोई फैक्टर ना हो, बिकॉज कार्लोस मार्टिनेज, मैं पहले ही बोल दूं, कार्लोस मार्टिनेज इज मोर ऑफ अ पोचर, इगोर एंगुलो के टाइप के है। हाँ, उनका ओवरऑल गेम एबिलिटी भी है, ही कैन पास द बॉल, ही इज गुड विद दैट एंड ऑल दोस थिंग्स, वो जो स्पैनिश प्लेयर्स में होता है टेक्निकलिटी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज अ वेरी गुड फिनिशर, और वो रोल भी प्ले करेंगे फिनिशर का, मतलब इसका, इसके मैं एक प्राइम एग्जांपल देता हूं व्हाई ही इज इंपॉर्टेंट। वो अपने करियर में 2 टाइम टॉप गोल स्कोरर थे इन द लीग्स, ही हैज गॉट द 2 टाइम्स टॉप गोल स्कोर इन द सेकंड डिवीजन भी, जो थर्ड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन में 20-21 के साल में और 13-14 के सीजन में, दोनों ही सीजन में ही वाज द टॉप गोल स्कोरर, सो ही नोज द गोल वेरी वेल। और अगर एंड हिज करियर ट्रैजेक्टरी इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ इगोर एंगुलो, मैं बार बार ये नाम बोलूंगा क्योंकि कार्लोस मार्टिनेज का हाईलाइट आप जब देखोगे ना, आपको लगेगा कि इट्स इगोर एंगुलो प्लेइंग, एग्जैक्टली सेम प्रोफाइल, एग्जैक्टली सेम टाइम ऑफ फुटबॉल प्ले। हाई मार्क सिंह, हाई, इजंट ही टू ओल्ड, मैं यही बोल रहा था, ही इज अ बिट ओल्ड, बट अगेन वी हैव सीन मोर ओल्डर प्लेयर्स इन इंडियन फुटबॉल मेकिंग द मार्क। कॉफी पीना पर आज भाई, तुम तो कॉफी पी रहे हो, यहाँ पे करंट लोड शेडिंग हो रहा है, लोड शेडिंग जिसको हम करंट ऑफ बोलते हैं, शट डाउन बोलते हैं, इज हैपनिंग हियर,
एंड कोलकाता में आज का टेम्परेचर इज 41 डिग्री विच फील्स लाइक 47 और 48 डिग्री. सो वी आर लिविंग इन अ हेल होल द कोलकाता पीपल राइट नाउ वी अस. सो एनी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी न्यूज, कोई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का न्यूज तो अभी तक है नहीं मार्क, जब भी आएगा आई विल कम विद द न्यूज. और टिमोर भी आने वाला है, एब्सोल्युटली टिमोर आने वाला है. मुझे जो लगता है जब आप एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर क्लब के कोच का क्लब का अकाउंट फॉलो करते हो, इट मींस यू आर इंटरेस्टेड टू कम एंड पीपल आर एक्चुअली टॉकिंग विद यू. तुम रात को खेलते हो? नहीं भाई, रात को नहीं खेलता. ये पूरा गर्मी, इट्स ऑल अबाउट द लोड शेडिंग ऑफ प्रॉब्लम एंड ऑल दोस थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग इन कोलकाता. इट्स वेरी हॉट. कतार टू मैन यूनाइटेड, भाई देखो भाई कुछ नहीं किया जा सकता. बट अगेन आई एम नॉट मच वरीड, क्योंकि यूनाइटेड तो पहले भी पैसा तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रांसफर वगैरह पैसा स्पेंड नहीं करती, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पैसा स्पेंड करती थी. सो नॉट अ प्रॉब्लम, इससे बहुत कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो जाएगा. इज स्ट्राइकर गुड? यस ही इज गुड भाई. ही इज स्पेनिश थर्ड डिवीजन में 2 टाइम टॉप गोल स्कोरर है. स्पेनिश थर्ड डिवीजन इज 10 टाइम्स बेटर देन इंडिया फर्स्ट डिवीजन एंड ही हैज डन दैट. एंड मैं बार बार बोल रहा हूँ, हिज पोजिशन एंड हिज गेम प्ले इज वेरी सिमिलर टू इगोर एंगुलो. सो अगर इगोर एंगुलो इज अ out and out success for FC Goa, so he will also be an out and out success. And also he is the type of striker, dekho, and especially Manolo Marquez had experience to work with older strikers. Ab ye samjho Bartolomeu Ogbeche, Manolo Marquez ne 37 or 38 years old mein khele hai and has performed brilliantly. So wahi kuch hoga Carlos, and he has done quite good. So Noah and Carlos, absolutely Noah and Carlos. Uske baad bhi Iker Guardiola hai, uske baad Alvaro Vasquez hai. Hame dekhna padega kisko club chhodti hai. Will they leave Alvaro Vasquez or will they leave Iker Guardiola? Kyunki teen striker leke to ye team khelne nahi wali. Matlab teen striker leke agar khelte hai David Timor aur defensive Fares Arnaut udai hona India, to matlab midfield bahut weak ho jayega. Can Manolo Marquez take that risk? What the difference between Aram Cabrera and Carlos? Aram Cabrera is more complete footballer. Cabrera isse bhi zyada complete footballer the. Unka overall game pe bahut zyada complete tha. You don't expect that from Carlos Martinez, who is more of a goal scorer. He is not a Greg Stewart, but he is more like a Jorge Pereira Diaz. Bahut lambe hai, he has good heading ability, he can score the ball, finishing bahut acha hai, bahut tough position se finish kar sakte hai, but don't expect him to cut back midfield mein aake ball recover karna. Ha kar sakte hai, because is system mein hi you have to do all this work, but 36 saal ki umar mein kya kar sakte hai? If he can perform that work rate that has been shown by someone like a Bartolomeu Ogbeche, yes. YouTube में उसका वीडियो नहीं है, कार्लोस का वीडियो नहीं आ रहा है. सर्च कार्लोस मार्टिनेज एंडोरा, मुझे तो वहीं पे मिला था भाई. सो सर्च इट हेनरी साला. मैं कुछ नहीं बोलने वाला भाई. मैंने एक्सेप्ट कर लिया अपने माइंड में कि जब होगा अच्छा होगा, बट हेनरी के अंडर अच्छा होना, हेनरी विल बाय यू 3 or 4 प्लेयर्स इन 30-40 million, बट मोर. आसाम में तो बारिश दे रहा है. You guys are lucky. Even in the North Bengal, हमारे जो state का North Bengal is getting बारिश, but South Bengal is starved of rain. Starved. Boss is coming back. उस पे तो बात करना पड़ेगा. Viru, yes, we will talk about that tomorrow. मैं एक वीडियो के बारे में सोचा था, मैं शायद आज ही ले आता, बट मैंने सोचा कि भाई बहुत लोग पूछ रहे कि टेक्निकल डायरेक्टर या डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल का काम क्या है. सो मैं एक चीज मैंने सोचा है कि दैट आई विल कम टुमारो विद अ वीडियो. एंटोनियो लोपेस आवास तो होगा ही न्यूज में, जहां पे मैं बोलूंगा कि ये रवि पुष्कर and then there is someone like Antonio Lopez Habas, then there is also Darren Caldera, jo director of football hote hain, unka kaam kya hota hai, isko leke main video le aaunga kal ko 3:30 baje ko, agar koi bada news nahi aata, kyunki agar koi bada breaking news aa jata hai then I will have to make some news on that.